तो आप देख सकते हैं कि ये 10 फीट में बनी हुई स्लैब बीम है। तो स्लैब बीम में टोटल कितनी स्टील लगती है, इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इस वीडियो में हम आपसे एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। यदि आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, तो आप पूरे विश्व में किसी भी टाइप की स्लैब बीम में कितनी स्टील लगेगी इसका कैलकुलेशन स्लैब बीम बनने से पहले ही कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं, देखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट स्लैब बीम स्टील, यानी कि छत की बीम में टोटल कितनी स्टील यानी कि सरिया लगेगी, इसका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको स्लैब बीम की लंबाई पता होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर स्लैब बीम की डायरेक्शन में टेप लगा दिया है। अब चलिए देखते हैं कि इस स्लैब बीम की लंबाई कितनी है। तो आप देख सकते हैं कि इस स्लैब बीम की जो लेंथ है, टोटल लंबाई है, वो 10 फीट है। तो हमने स्लैब बीम की टोटल लंबाई 10 फीट लिख लिया। तो स्लैब बीम की टोटल लंबाई पता होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा, यानी कि जिस स्लैब बीम को आपने फिट में मापा है उसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किसी भी फिट की वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली यदि आप उसमें 3.28 से भाग दे देंगे तो वो जो वैल्यू है वो फिट से मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी बीम की। तो यहाँ पर स्लैब बीम की जो टोटल लेंथ है, लंबाई है, वो 10 फिट है। तो हम यहाँ पर 10 फिट लिख लेते हैं डिवाइड बाई 3.28। ये फॉर्मूले का है, किसी भी फिट की वैल्यू को यदि मीटर में कन्वर्ट करना है इसी से भाग दे दिया जाता है, तो वो वैल्यू फिट से मीटर में कन्वर्ट हो जाती है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि 10 फिट में टोटल कितना मीटर होता है। तो सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं 3.04 मीटर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 फिट में 3.04 मीटर होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको ये पता होना चाहिए कि स्लैब बीम में जो सरिया यानी कि स्टील लगी है उसका डाया क्या है। तो यहाँ पर जो स्लैब बीम में स्टील लगी है उसका डाया जो है वो 12 mm है। तो हमने यहाँ पर 12 mm लिख लिया। तो स्लैब बीम में लगने वाली स्टील का डाया क्या है ये पता होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको ये पता करना है नंबर ऑफ बार, यानी कि स्लैब बीम में टोटल कितनी स्टील लगी है। तो आप देख सकते हैं कि इस स्लैब बीम में टोटल 4 सरिया लगी हुई हैं। तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। ठीक, तो स्लैब बीम में टोटल कितनी सरिया लगी है ये निकालने के बाद आपको लेंथ निकालना है, यानी कि स्लैब बीम में जो 4 सरिया लगी हुई हैं यदि हम चारों सरियों को जोड़ दें तो टोटल कितना मीटर हो जाएगा। तो आपको स्लैब बीम में लगने वाली चारों सरियों का लेंथ निकाल लेना है। तो स्लैब बीम में लगने वाली टोटल स्टील का लेंथ निकालने के लिए स्लैब बीम की टोटल लंबाई, तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर स्लैब बीम की टोटल लंबाई 3.04 मीटर निकाल रखा है। तो सिंपली आपको स्लैब की पूरी लंबाई लिख लेना है जो कि 3.04 मीटर है इंटू स्लैब बीम में टोटल कितनी स्टील लगी है। तो स्लैब बीम में टोटल 4 स्टील लगी हैं, तो 4 से हम गुणा कर देंगे क्योंकि एक स्टील की लंबाई 3.04 मीटर है। तो 4 स्टील की लंबाई कितनी होगी, हम 4 से गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 12.16 मीटर आ गया, यानी कि स्लैब बीम में जो चारों सरिया लगी हैं उनकी टोटल लंबाई 12.16 मीटर है। तो स्लैब बीम में लगने वाली स्टील का लेंथ निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको स्टील का वेट निकालना है। तो स्टील का वेट निकालने का एक फॉर्मूला होता है D² / 162 × L। तो चलिए इसी फॉर्मूले पर हम सभी वैल्यू को रख देते हैं। डी का मतलब डाया आप बार। तो आप देख सकते हैं कि स्लैब बीम में जो स्टील लगी है उसका जो डाया है वो 12 mm है। तो हमने यहाँ पर 12 mm का स्क्वायर कर दिया क्योंकि डी का स्क्वायर हो गया डिवाइड बाई 162। ये फॉर्मूले का है, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप अन्य मैथ का फॉर्मूला याद करते हैं उसी तरीके से आप इसको याद कर लीजिएगा। 162 ये फॉर्मूले का है डिवाइड बाई 162 × L। L का मतलब स्लैब बीम में लगने वाली स्टील की टोटल लंबाई। तो स्लैब बीम में टोटल 4 स्टील लगी थी, तो स्लैब बीम में टोटल 4 यानी कि 4 स्टील लगी थी, चारों स्टीलों को जोड़ने के बाद 12.16 मीटर आ गया। तो आप देख सकते हैं कि L की जगह हमने 12.16 मीटर लिख दिया। अब चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि टोटल कितना किलोग्राम स्टील हो गई। तो सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल 10.80 किलोग्राम आ गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि 10 फीट की स्लैब बीम में जो चारों स्टील लगी हैं उन चारों स्टील का जो वेट है वो 10.80 किलोग्राम है, यानी कि 10.80 किलोग्राम है।
तो स्लैब बीम में लगने वाली स्टील का वेट निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि आपको कटिंग लेंथ निकालना होता है। यदि हम कटिंग लेंथ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि स्लैब बीम में कुछ इस तरीके से एक रिंग लगती है जिसको हम स्टीरअप्स बोलते हैं, और इस स्टीरअप्स यानी कि इस रिंग को बनाने के लिए कितना लंबा सरिया काटा जाए उसका कैलकुलेशन करने की क्रिया को हम कटिंग लेंथ बोलते हैं। तो सबसे पहले यदि हम स्लैब बीम के साइज़ की बात करें तो 9 इंच बाई 9 इंच है, और इस 9 इंच को यदि हम mm में कन्वर्ट करें तो 228.6 mm आता है। इसी तरीके से इस 9 इंच को हमने mm में कन्वर्ट कर लिया तो 228.6 mm आया। तो स्लैब बीम का साइज़ पता होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको ये पता होना चाहिए कि स्लैब बीम में कवर कितने mm का लगा हुआ है। तो स्लैब बीम में टोटल 25 mm का कवर ब्लॉक लगा हुआ है। यदि हम कवर ब्लॉक की बात करें तो आप देख सकते हैं कि स्लैब बीम में कुछ इस तरीके से कवर ब्लॉक लगाया जाता है जो कि स्लैब बीम के चारों तरफ होता है, और इसी कवर ब्लॉक के अंदर जो है रिंग को रखा जाता है। तो स्लैब बीम में कितने mm का कवर ब्लॉक लगा हुआ है ये पता होने के बाद आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। यदि हम इस फॉर्मूले की बात करें तो एल माइनस सी वन प्लस सी टू, L का मतलब स्लैब बीम की पूरी लंबाई हो गई, C1 का मतलब इस तरफ का कवर ब्लॉक, और C2 का मतलब इस तरफ का कवर ब्लॉक, यानी कि 25 mm इधर और 25 mm इधर दोनों तरफ कवर ब्लॉक लगा है, उसी को C1 प्लस C2 से रिप्रेजेंट किया गया है इंटू टू। यहाँ पर इंटू टू का मतलब ये हुआ कि जैसे हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की जब लेंथ निकाल लेंगे तो उसमें यदि हम 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो स्टील है इसकी भी लेंथ हमें पता हो जाएगी, क्योंकि जितना इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ होगा सेम टू सेम उतना ही यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ होगा। तो एक तरफ का निकाल के हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमें इस तरफ का पता चल जाएगा। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट स्टेप में प्लस करके एल माइनस सी वन प्लस सी टू इंटू टू करना है। यहाँ पर एल का मतलब स्लैब बीम की पूरी लेंथ से हुआ, माइनस C1 प्लस C2, C1 का मतलब कवर ब्लॉक 1 और कवर ब्लॉक 2, यानी कि दोनों तरफ जो 25-25 mm का कवर ब्लॉक लगना है उसको आपको प्लस करके और टोटल लेंथ में से माइनस कर देना पड़ेगा, तब आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ पता चल जाएगी। इंटू टू कर देंगे तो आपको दोनों तरफ की स्टील का लेंथ पता चल जाएगा। जैसे आपने यहाँ से यहाँ तक का निकाल लिया तो इसमें यदि आप 2 से गुणा कर देंगे तो सेम टू सेम जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा उतना यहाँ से लेकर यहाँ तक का होगा, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दिया गया, ठीक है। प्लस 2 इंटू 10D, यहाँ पर 10D इसलिए किया गया कि यहाँ पर जो हुक होता है इसकी जो लेंथ है वो 10D की जाती है। तो यहाँ पर D का मतलब डाया ऑफ बार, यानी कि ये जो स्टील जिस स्टील से रिंग बनी है उसका डाया क्या है, तो जिस स्टील से रिंग बनी है उसका डाया जो है 8 mm है। और यहाँ पर 2 इसलिए किया गया क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 हुक होते हैं, इसीलिए यहाँ पर 2 से गुणा कर दिया गया। माइनस 2D इंटू 3, इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ पर रिंग 90 डिग्री पर मुड़ेगी वहाँ पर हम 2D माइनस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1, 2, 3 यानी कि 3 जगह पर जो रिंग है वो 90 डिग्री पर मुड़ी हुई है, तो यहाँ पर हम 2D इंटू 3 कर दे रहे हैं क्योंकि 3 जगह मुड़ी हुई है, तो हम यहाँ पर 3 कर देंगे। माइनस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा है 2 इंटू 3D। तो रिंग की कटिंग लेंथ निकालते समय जहाँ जहाँ पर रिंग जो है 135 डिग्री पर मुड़ती है वहाँ पर हम 3D माइनस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ पर रिंग मुड़ी हुई है 2 जगह पर यहाँ पर रिंग का हुक जो है वो मुड़ा हुआ है, तो 2 जगह पर हमें 3D माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 टाइम यानी कि 2 जगह पर स्टील का जो हुक है 135 डिग्री पर मुड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पर 2 लिख लिए, इंटू 3D माइनस करना होता है। तो ये फॉर्मूले का ही है, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो चलिए अभी सभी फॉर्मूले को इसी वैल्यू पर रख देते हैं तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पर जो स्टील लगाई जाएगी उसको बनाने के लिए टोटल हमें कितना लंबा सरिया काटना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर L लिखा हुआ है, यानी कि बीम की यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई, जो कि mm में कन्वर्ट करने के बाद 228.6 mm आ गया, तो हमने यहाँ पर लिख लिया। माइनस C1 प्लस C2, C का मतलब क्लियर कवर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरफ 25 mm का कवर लगा और C2 इस तरफ 25 mm का कवर लगा, तो यहाँ पर हमने 25 लिख दिया इस तरफ के कवर वाला, प्लस यहाँ पर भी 25 mm का कवर लगा है तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया जो कि C2 है, इंटू 2 कर दिया। 2 का मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ होगी सेम टू सेम उतनी ही यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ होगी, ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर 2 कर दे रहे हैं। नेक्स्ट फॉर्मूले पर यदि हम आगे बढ़ें तो आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है L माइनस C1 प्लस C2 इंटू 2।
एल का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल लंबाई, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो टोटल लेंथ है वो 228.6 mm है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया। माइनस C1 प्लस C2, C1 का मतलब इस तरफ जो कवर ब्लॉक लगा हुआ है जो कि 25 mm का है, तो हमने यहाँ पर 25 mm लिख दिया, प्लस इस तरफ जो कवर ब्लॉक लगा हुआ है जो कि 25 mm का है, तो यहाँ पर फिर से हमने 25 mm लिख दिया, इंटू 2। 2 का मतलब ये हुआ कि जब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ हमें पता हो जाएगी, तो जितनी यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगी सेम टू सेम उतनी ही यहाँ से लेकर यहाँ तक की आएगी, तो इसीलिए यदि हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमें इस तरफ की लेंथ और इस तरफ की लेंथ पता हो जाएगी, ठीक है। प्लस 2D इंटू 10, तो हमने यहाँ पर सबसे पहले 2 लिख दिया, इंटू 10 लिख दिया, और D का मतलब ये हुआ कि इस रिंग को बनाते समय कितने mm की स्टील का उपयोग किया गया है, तो इस रिंग को बनाते समय 8 mm डाई की स्टील का उपयोग किया गया है, तो हमने यहाँ पर 8 mm लिख दिया, ठीक है, जो कि स्टीरअप्स का रिंग का डायाफ स्टील बार है, ठीक है। माइनस 2D इंटू 3, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी रिंग को बनाते समय जितने टाइम 90 डिग्री पर रिंग को घुमाया जाएगा वहाँ पर हम 2D माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर 3 टाइम यहाँ पर इस कोने पर और इस कोने पर 3 टाइम जो है वो रिंग को 90 डिग्री पर घुमाया गया है, तो हम यहाँ पर 2D इंटू 3 माइनस कर देंगे, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया, इंटू D का मतलब ये हुआ कि डाया आप स्टील बार जो कि 8 mm है इंटू 3 कर दिया, 3 टाइम यहाँ पर घुमा हुआ है 90 डिग्री पर, इसलिए हमने यहाँ पर 3 कर दिया। माइनस 2 इंटू 3D का मतलब ये हुआ, ये भी फॉर्मूले का है, रिंग का जो स्टील है 135 डिग्री पर घूमेगा वहाँ पर हम 3D माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 2 बार 135 डिग्री पर घूमा हुआ है, तो रिंग बनाते समय दोनों हुक के किनारे रिंग की स्टील को 135 डिग्री पर घुमाया जाता है, तो यहाँ पर हम 2 बार 3D माइनस करेंगे, तो सिंपली सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 लिखा, इंटू 3 लिख दिया, और D का मतलब डाया ऑफ स्टील बार जो कि 8 mm है, D से गुणा कर दिया, 8 mm से गुणा कर दिया, तो फॉर्मूले पर सभी वैल्यू को रखने के बाद सॉल्व करने के बाद टोटल इतना आ गया, तो फॉर्मूले पर सभी वैल्यू को रखने के बाद सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं कि 778.4 mm आ गया, यानी कि इस रिंग को बनाने के लिए जो हम स्टील काटेंगे उसकी जो टोटल लेंथ होगी वो 778.4 mm होगी, बट इस वैल्यू को हमें मीटर में कन्वर्ट कर लेना है, तो किसी भी mm की वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसमें हम 1000 से भाग दे देते हैं, तो वो वैल्यू जो है वो mm से मीटर में कन्वर्ट हो जाती है, तो भाग देने के बाद आप देख सकते हैं 0.7784 मीटर आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 0.7784 मीटर का सरिया काटेंगे, और काटने के बाद जब हम ये रिंग बनाएंगे तो ये रिंग आसानी से बन जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रिंग को बनाने के लिए हमें 0.7784 मीटर का सरिया काटना पड़ेगा, तो एक रिंग को बनाने के लिए कितना लंबा सरिया लगेगा यह निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको नंबर ऑफ स्टील बार निकालना है, तो नंबर ऑफ स्टील बार निकालने के लिए सिंपली आप देख सकते हैं कि एक फॉर्मूला होता है L/C, L का मतलब टोटल लंबाई यानी कि बीम की टोटल लंबाई डिवाइड बाई सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, यानी कि स्लैब बीम में आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से जो रिंग लगती है एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की डिस्टेंस कितनी रखी जाती है, वही आपकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हो गई, यानी कि एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की जो डिस्टेंस है यहाँ पर 22 सेंटीमीटर रखी गई है, तो 22 सेंटीमीटर को जब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.22 आएगा, ठीक है, यानी कि 0.22 आएगा, तो इसको सॉल्व करने के बाद लगभग 14 यानी कि 14 रिंग लग जाएगी, तो इसको सॉल्व करने के बाद लगभग 14 आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि 10 फीट की स्लैब बीम में जब आप 22 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रिंग लगाओगे तो लगभग 14 रिंग लग जाएगी, और एक रिंग को बनाने के लिए सरिये की लंबाई हमने यहाँ पर निकाली थी जो कि 0.7784 मीटर थी, तो 14 रिंग को बनाने के लिए टोटल कितनी मीटर सरिया लगेगी इसको निकालने के लिए सिंपली आप 14 में एक रिंग को बनाने के लिए जितनी सरिया लगेगी उससे आप गुणा कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 14 रिंग बनाने में टोटल कितना मीटर स्टील लगेगा, तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 10.89 आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 14 रिंग बनाने के लिए 10.89 मीटर सरिया लग जाएगा। अब चलिए देखते हैं कि ये 10.89 मीटर सरिया कितना किलोग्राम का होगा, तो सरिये का वेट निकालने के लिए सिंपली एक फॉर्मूला होता है D² / 162 × L, डी का मतलब कितने mm की स्टील से ये रिंग बनाई गई है, तो 8 mm की स्टील से ये रिंग बनाई गई है, तो हम 8² कर देंगे, 8 का स्क्वायर डिवाइड बाई 162
एल का मतलब टोटल कितना मीटर सरिया लगी 14 रिंग बनाने में, तो यहाँ पर 14 रिंग बनाने में 10.89 मीटर सरिया लग गई। अब चलिए गुणा करके देख लेते हैं कि टोटल कितना किलोग्राम सरिया लगी है। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल 4.30 किलोग्राम सरिया लग गई 14 रिंग बनाने में। तो इसी तरीके से आप किसी भी स्लैब बीम में टोटल कितनी रिंग लगेगी, रिंग को बनाने में टोटल कितना किलोग्राम सरिया लगेगा निकाल सकते हैं, और इसके साथ साथ स्लैब बीम को बनाने में टोटल कितनी स्टील लगेगी इसका भी कैलकुलेशन कर सकते हैं इसी मेथड को फॉलो करते हुए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का, अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं, धन्यवाद।